रजत तुम प्यार की ही बातें क्यों करते हो? इश्क मैंने जब ये सफर शुरू किया था ना, तो मुझे मतलब मैं ऐसे ना पॉडकास्ट सुनता था बहुत सारे, और बड़े बड़े कलाकारों के इंटरव्यूज, और जितना भी मैं जिस भी तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकता था मैंने वो कोशिश की. तो हर कोई मैंने देखा कि इन जनरल लोग ये बात बहुत ज्यादा कहते थे कि जो आपने जिया है वो लिखो. कि मतलब तो फिर मैंने की ही आशिकी बस. मतलब उम्र क्या है तुम्हारी यार? 24 साल में. शुरू कब किया था? मतलब पैदा होते ही यहाँ आ गए? नहीं, बट मैं मेरी दिली ख्वाहिश है कि अपना काम वहां तक पहुंचे कि जिसके लिए लिखा गया है उसको कम से कम पता लगे कि क्या ख्याल थे. बोल क्या तो दे रहा है. और तुम्हारी कॉमेडी में ऑब्जर्वेशन से ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है. जी मैम, दैट इज वेरी एविडेंट. जो तुमने महसूस किया उस पर तुम कॉमेडी बनाते हो. एंड आई वांट टू आस्क यू, अगर हाँ जी, आई मीन आई एम होपिंग एवरीबॉडी विंस, पर अगर तुमने अगले हफ्ते फिनाले में नहीं जीते वो 25 लाख, तो क्या क्या महसूस करोगे? मैम, मैंने पहली चीज इस मंच पर ये बोली थी, तो शायद मैं हर बार बोल चुका हूँ, कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा. तो हाँ, ये बहुत खूबसूरत बात है. आज नहीं कल, कल बनूंगा, पर तो बनूंगा जरूर. बिल्कुल सर. यू नो रजत, आई एग्री विद यू. हाँ जी, मैंने भी 8th स्टैंडर्ड में हिंदी में फेल किया. अच्छा, नहीं नहीं तुम्हारा पता लगता. तो एनीवे रजत, तुम सोशल मीडिया पर लव एक्सपर्ट बन गए हो. वाह. तो मेरी एक फ्रेंड ने तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन भेजा. अच्छा. शी सेड, ये मेरे को डायरेक्टली क्यों नहीं भेज रहे हैं लोग? तुम्हारे जरिए से क्यों बात कर रहे हैं? उन्हें बोलो मैं नंबर देता हूँ. पहला आंसर दे दो, अगर आंसर अच्छी है तो फिर मैं नंबर देती हूँ. अच्छा, आंसर अच्छी है. आंसर अच्छी देनी पड़ेगी. आंसर अच्छी है. सही फेल हुई थी तुम्हें. ओके, शी सेज आई वांट अ गाय हु इज हैंडसम, स्मार्ट, अच्छा, इंटेलिजेंट एंड फनी. वेयर कैन आई फाइंड सच अ गाय? क्या बचा इसमें? जवाब तुम्हारे सामने है रोशन. हम लोग ना बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं प्यार में, कि यार बकेट लिस्ट बना लेते पूरी, कि ये भी होनी चाहिए, बाल घुंघराले भी हों, सीधे भी हों, कैसे हों. बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो जाते हैं. पर मुझे ऐसा लगता है कि प्यार ना, आप ऐसे मानो कि प्यार ना कबूतर के प्रसाद की तरह होता. अच्छा. हाँ, मतलब सुनने में गंदा लग रहा है लेकिन मैं बता रहा हूँ. हाँ. कि आप कभी भी घर से निकलो, आपको नहीं पता कब सर पर आ जाएगा. बहुत अच्छा. एक और क्वेश्चन है. अच्छा. मेरी फ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड से शादी नहीं करनी. नहीं करनी. नहीं करनी. ओहो, अच्छा अच्छा. तो ये न्यूज़, ये बात उसे कैसे बताएं? अबे ये कोई बहुत गुड न्यूज है कि तुम गुड़ और मिठाई लेके जाओगी. जैसे जितनी जल्दी हो सकता है बताओ भाई, क्योंकि वो तो सपने देख चुका है, बच्चों का नाम रख चुका होगा. अभी तक उसे बताना पड़ेगा कि मम्मी अवेलेबल नहीं है. बट हमारे ऑडियंस से भी एक दो सवाल है आपके लिए. हेलो. हेलो, माय नेम इज रुबीना गजल. रुबीना गजल? यस. बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा. किसने रखा नाम आपका? दादी ने. दादी ने? तो वो लिखती थी? दादी नहीं लिखती थी, बट दादा लिखते थे. दादा लिखते थे ना? yes. होता है मैम ये अक्सर. दादा दादी भी लिखते थे, इसलिए वो गजल वही नाम दिया. क्योंकि मैम अगर आप देखो ना, शायरों से लोग अक्सर ऐसा पूछते हैं कि आपकी कितनी गजल हुई, इसके दादा कह रहे एक हो गई है. मेरा आपसे एक सवाल है. अच्छा. आप इतने क्यूट हो. क्या बात कर रही हो? यस. और इतने अच्छे कॉमेडियन हो. आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है. मुझे बताओ, हाँ. आपके जैसा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा? एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा सर, ये लोग ओरिजिनल प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? सर आप ऑलरेडी इतने सारी गर्लफ्रेंड्स के साथ हो, मैं आपको उनसे जुदा नहीं करना चाहता. देखा. मुझे ऐसा लगता है सर, मेरे जैसे लड़के बनने की भी ना एक रेसिपी है. क्या? जो मुझे अपनी जर्नी से समझ में आती है. सबसे पहले धीमी आंच पर इंजीनियरिंग करो. फिर उसमें एक तरफा प्यार का तड़का डालो. अच्छा. और फिर ब्रेकअप की सीटी लगने दो. और कोई सवाल है? हेलो सर. हाँ. कौन से पार्क में लेट के आए हो तुम? ये ऐसा लग नहीं रहा कि माली ने नया नया बगीचा कराया था, ये छिले पेट के आ गए. सारे फूल समेट लाया. जी सर. सर मेरा नाम इरशाद है. अच्छा जी. मैं दिल्ली से आया हूँ. मेरा एक फ्रेंड है. हाँ. उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही अपनी लाइफ में कभी भी, बट अभी उसकी शादी हो गई है. अब वो दुखी है. क्यों?
भाई बनता ही है. मैं तो मैम मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जॉब करने से पहले इंटर्नशिप करना जरूरी है. क्योंकि इंटर्नशिप पे ही आप सीखते हो कि जॉब पे क्या करने से अप्रेजल मिलेगा. एक कहावत मुझे याद आई इस बात पर कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. शादी वादी भी कर लेना पहले कर लो डेट. थैंक यू सो मच. ये बाल आपके अपने? जी मेरे. हेलो माय नेम इज रजत राठौर. कितनी चिड़िया रहती हैं ऊपर? इसका नाम भी रजत है भाई. क्या बात कर रहे हो? जी. अरे इंदौर मध्य प्रदेश से. अच्छा अच्छा एड्रेस? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं गर्लफ्रेंड के साथ जाता हूँ फर्स्ट डेटिंग पे. हाँ. तो मुझे कुछ टिप्स बताइए आप. अच्छा फर्स्ट डेट पे जाने के लिए आपको टिप्स चाहिए? जी. एक तो मुझे पता है ये बड़ा दुख लगता है कि हम खुद नहीं जा पा रहे दूसरों को राय दे रहे हैं. मैं फर्स्ट डेट पर जाने के लिए मैं एक एडवाइस भाई ये देना चाहता हूँ कि फर्स्ट डेट पर जाते हो इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हें दूसरी डेट पर भी जाना है. कि ये फर्स्ट डेट ही आखिरी डेट ना हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. थैंक यू. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.